हेलो एवरीवन, आई एम पार्थ एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल द एजुकेशनल कैंपस। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन इंग्लिश टॉपिक व्हिच इज रिलेटेड टू क्लास 5 ऑफ SSVM, दैट मीन सरस्वती शिशु विद्या मंदिर। भैया बहन, आज हम लोग शिशु मंदिर के कक्षा पंचम के इंग्लिश किताब से एक टॉपिक को लेकर चर्चा करने वाले हैं, जिसका टाइटल है जगदीश चंद्र बोस। आज की इस वीडियो में आप ये समझ पाएंगे कि जगदीश चंद्र बोस कौन थे, उन्होंने अपने जीवन काल में किन चीज़ों का आविष्कार किया था और क्या साबित किया था। मैं आज जगदीश चंद्र बोस के बारे में कुछ मुख्य बातें मैं आपके साथ साझा करने वाला हूं, तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं, जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस। भैया बहन, टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं, यदि आप कॉपी पेंसिल लेके नहीं बैठे हैं तो कॉपी लेके बैठ जाइए और जो मैं कुछ मेन वर्ड्स के मीनिंग बताते जाऊंगा आप उनको नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए, ताकि आपको पाठ को समझने में सुविधा हो। तो चलिए टॉपिक को समझना शुरू करते हैं। प्लांट्स लाफ, प्लांट मतलब पौधा, लाफ मतलब हंसना। प्लांट्स लाफ यानी पौधे हंसते हैं। दे वीप, वे रोते हैं, वीप मतलब रोना। दे बिकम वेरी एंग्री, दे बिकम एंग्री, वे क्रोधित होते हैं, एंग्री मतलब क्रोधित, बिकम मतलब होना। दे ग्रो फास्टर इन प्लीजेंट एनवायरनमेंट, दे ग्रो फास्टर इन प्लीजेंट एनवायरनमेंट, वे सुखद वातावरण में तेजी से बढ़ते हैं, अधिक तेजी से बढ़ते हैं, सुखद वातावरण में। प्लीजेंट एनवायरनमेंट मतलब सुखद वातावरण, एनवायरनमेंट मतलब वातावरण, अब प्लीजेंट मतलब सुखद या खुशनुमा। तो पेड़ पौधे खुशनुमा वातावरण में, सुखद वातावरण में तेजी से बढ़ते हैं। तो पेड़ पौधों के लिए सुखद वातावरण कैसे होंगे? पौधे जहाँ अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, अपने आप को सुरक्षित पाते हैं, कोई उनको चोट नहीं पहुँचाता है, हानि नहीं पहुँचाता है, तो वैसे स्थान पर पौधे अधिक बढ़ते हैं, तेज़ी से बढ़ते हैं। और वहीं पौधे हंसते हैं, जो हम पहले बताएं कि प्लांट्स लव, पौधे हंसते हैं, तो वैसे जगह पर पौधे हंसते हैं। लेकिन कहाँ रोते हैं? जहाँ पेड़ पौधों को हानि पहुँचाया जाता है, चोट पहुँचाया जाता है, उनको काटा जाता है, तो वहाँ पेड़ पौधे रोते भी हैं। द प्लांट्स हैव फीलिंग नॉट लेस देन ह्यूमन बींग्स, पौधों के पास फीलिंग होती हैं, पौधों के पास फीलिंग होती है, फीलिंग मतलब भावना, एहसास, पौधों के पास एहसास होती है, वो भी किसी ह्यूमन बींग्स से कम नहीं। ह्यूमन बींग्स मतलब मानव जाति, मनुष्य, पौधों के पास मनुष्य से कम भावना नहीं होती है, कम एहसास नहीं होती है, मतलब मनुष्य के जैसा पेड़ पौधों में भी एहसास होती है, उन्हें सुख दुख का, सुख दुख की भावना होती है। There is life in plants. There is life in plants. पौधों में जान होती है, पौधों में जीवन है। It was going to be proved by experiments. और ये बात जो है, पौधों में जान होती है, यही बात एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूव्ड होने वाला था। यही बात एक्सपेरिमेंट मतलब प्रयोग के द्वारा, एक्सपेरिमेंट मतलब प्रयोग, एक्सपेरिमेंट मतलब प्रयोग, प्रयोग के द्वारा, प्रयोग के द्वारा प्रूव होने वाला था।
द हॉल वॉज फुल ऑफ साइंटिस्ट, और जहाँ प्रयोग होने वाला था वो हॉल, वो बड़ा कमरा फुल ऑफ साइंटिस्ट मतलब वैज्ञानिकों से भरा हुआ था, वहाँ बहुत सारे वैज्ञानिक बैठे हुए थे प्रयोग को देखने के लिए और दिखाने के लिए। एन इंडियन साइंटिस्ट कैम, एक भारतीय वैज्ञानिक आए, इंडिया मतलब भारतीय। ही कनेक्टेड एन इंस्ट्रूमेंट टू ए प्लांट, उन्होंने पौधे के साथ एक इंस्ट्रूमेंट यानी यंत्र को जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट कर दिया मतलब जोड़ दिया। ए बिग डॉट ऑफ लाइट स्टार्टेड मूविंग ऑन द स्क्रीन, एक बिग डॉट ऑफ लाइट एक मतलब प्रकाश का एक बड़ा सा बिंदु, प्रकाश का एक बड़ा सा धुंध स्क्रीन पर छाना शुरू कर दिया। आपको दिखा दे रहा हूं स्क्रीन क्या है, ये देख पा रहे हैं यहां पर पौधों के साथ एक मशीन को जोड़ दिया गया है, और ये जो स्क्रीन है ये देख रहे हैं चौकन वाला जो स्क्रीन है यहीं प्रकाश डाला गया, यहीं बिग पॉइंट ऑफ लाइट जो है प्रकाश का एक बड़ा सा बिंदु यहीं पर छाने लगा। द प्लांट वॉज केयरफुली पिक्ड अप विथ इट्स रूट, पौधे को रूट से मतलब जड़ से सावधानी पूर्वक उखाड़ा गया, केयरफुली मतलब सावधानी पूर्वक, पिक्ड अप मतलब उठाया गया। द रूट ऑफ द प्लांट वॉज पुट इन पॉइजन, और पौधे का जो रूट है, रूट मतलब जड़, पौधे का जो रूट है उस रूट को जड़ को पॉइजन में डाला गया, पॉइजन मतलब जहर, पॉइजन मतलब जहर, जहर में डाला गया। द प्लांट्स पल्स बीट बिकेम मोर एंड मोर वायलेंट, और प्लांट्स का जो पल्स बीट है मतलब नाड़ी की जो धड़कन है, जैसे आदमी मनुष्य के नाड़ी की धड़कन होती है ना, नाड़ी में पकड़ते हैं तो धक 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 आवाज होती है, वहाँ पर उस तरह पौधों की जो नाड़ी है उसमें भी धड़कन होती है, और पौधे के जो नाड़ी के जो धड़कन है वो मोर एंड मोर वायलेंट हो गया मतलब अधिक और अधिक तीव्र हो गया, तेज हो गया, उग्र हो गया। सून सून द स्पॉट कैम टू ए सडन स्टॉप, और जो स्पॉट दिख रहा था स्क्रीन पर वो स्पॉट अचानक बंद हो गया। द प्लांट हैड डाइड बिकॉज ऑफ पॉइजन, प्लांट जो है विष के कारण यानी जहर के कारण मर गया था। लाइफ इन द प्लांट वॉज प्रूव्ड, और इससे क्या हुआ, पौधों में जीवन है ये प्रमाणित हो गया था, क्योंकि पौधे जहर के कारण मर गया। इससे मतलब इससे पता चलता है कि पौधे में जीवन था तभी तो वो मरा, अगर जीवन नहीं होता तो मरता नहीं। तो पौधों में जीवन है ये प्रूफ हो चुका था। द इंस्ट्रूमेंट दैट प्रूव्ड इट इज नॉन एज क्रेस्कोग्राफ, और जिस यंत्र से जिस मशीन से ये प्रूफ्ड हुआ कि प्रमाणित हुआ कि पौधों में जान होती है उस मशीन को क्रेस्कोग्राफ कहते हैं। इट इज ए हाईली सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट, ये बहुत ही सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है, संवेदनशील यंत्र है। इट कैन मेजर द ग्रोथ ऑफ ए प्लांट, इट कैन मेजर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, ये पौधों की जो ग्रोथ है, वृद्धि है, वृद्धि दर है, बढ़ने की जो दर है उसको मेजरमेंट कर पाता है, नाप पाता है।
दिस इंस्ट्रूमेंट इज एबल टू डिटेक्ट मिनट रेस्पॉन्सेज। ये जो यंत्र है, उपकरण है, इंस्ट्रूमेंट है, ये पौधे के मिनट दर को भी, मिनट हर मिनट की जो प्रतिक्रिया है उसको भी ये डिटेक्ट कर पाता है, नाप पाता है, पता लगाने में सक्षम होता है। ये मशीन इतना सेंसिटिव है कि पौधे की जो हर मिनट की जो प्रतिक्रिया है उसको भी वो पता लगा सकता है, डिटेक्ट कर सकता है। द साइंटिस्ट हु इन्वेंटेड दिस इंस्ट्रूमेंट एंड प्रूव्ड लाइफ इन प्लांट वह जगदीश चंद्र बोस। वो वैज्ञानिक जिन्होंने इस उपकरण का, इस इंस्ट्रूमेंट का आविष्कार किया, इन्वेंट किया, और जिन्होंने प्रमाणित किया कि पौधों में जान होती है, वो वैज्ञानिक और कोई नहीं, जगदीश चंद्र बोस थे। जगदीश चंद्र बोस वॉज बोर्न ऑन November 30, 1858 इन मीमेंसिंग नियर ढाका। जगदीश चंद्र बोस का जन्म ढाका के पास मीमेंसिंग नामक एक स्थान में 30 नवंबर 1858 ईस्वी में हुआ था। मीमेंसिंग एक जगह का नाम है जो ढाका के पास है, जो अभी नाउ इन बांग्लादेश जो अभी बांग्लादेश में पड़ता है वो स्थान, लेकिन पहले वो स्थान भारत में ही था, क्योंकि जगदीश चंद्र बोस का जन्म उस समय हुआ था जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, और आज़ादी के पहले वो बांग्लादेश भारत का ही हिस्सा था। और इसलिए जगदीश चंद्र को एक भारतीय साइंटिस्ट के रूप में जाना जाता है। उनका जन्म अभी जो ढाका है वो बांग्लादेश में है, वहाँ हुआ था। हिज फादर भगवान चंद्र बोस वाज ए डिप्टी मजिस्ट्रेट। उनके पिताजी भगवान चंद्र बोस एक डिप्टी मजिस्ट्रेट थे। डिप्टी मजिस्ट्रेट का अर्थ है सहायक दंडाधिकारी या सहायक न्यायाधीश। हिज मादर बाम सुंदरी देवी वॉज ए रिलीजियस वुमेन। उनकी माता जी बाम सुंदरी देवी एक धार्मिक महिला थी। रिलीजियस मतलब धार्मिक। जगदीश चंद्र हैड हिज अर्ली एजुकेशन इन विलेज स्कूल इन बंगाली मीडियम। जगदीश चंद्र बोस उनका जो प्रारंभिक शिक्षा वो गांव के विद्यालय से, विलेज स्कूल मतलब गांव के विद्यालय, वहीं हुआ था, वो भी बंगाली मीडियम में यानी बांग्ला माध्यम में। जैसे भैया बहन आप हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, आपकी मीडियम हिंदी हुआ, तो जगदीश चंद्र बोस जिस विद्यालय में पढ़ते थे उस विद्यालय का मीडियम बंगाली मीडियम था। देयर ही बिकेम फेमिलियर विथ हिज ऑन कल्चर। वहाँ वो अपनी कल्चर से परिचित हुए। कल्चर मतलब संस्कृति और फेमिलियर मतलब परिचित। ही वॉज सेंट टू कलकत्ता टू लर्न इंग्लिश। उन्हें कलकत्ता अंग्रेजी सीखने के लिए भेजा गया था। लर्न मतलब सीखना। ही वॉज एजुकेटेड एट सेंट जेवियर स्कूल एंड कॉलेज। वह सेंट जेवियर स्कूल और कॉलेज में एजुकेटेड हुए थे, मतलब शिक्षा प्राप्त की थी। ही वॉज ए ब्रिलियंट स्टूडेंट। वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, मेधावी छात्र थे, प्रतिभाशाली छात्र थे। आफ्टर रिसीविंग हिज बैचलर्स डिग्री ही वेंट टू लंदन टू स्टडी मेडिसिन। अपना बैचलर्स डिग्री यानी स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के बाद वे
लंदन चले गए मेडिसिन की स्टडी करने के लिए, मेडिसिन यानी चिकित्सा का अध्ययन करने के लिए लंदन चले गए। बट ही हैड टू गिव इट अप बिकॉज ऑफ हिज ऑन इल हेल्थ, लेकिन उन्होंने अपने जो इल हेल्थ के कारण, इल हेल्थ मतलब अस्वस्थ माने खराब स्वास्थ्य, खराब स्वास्थ्य के कारण उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। मतलब जो मेडिसिन की शिक्षा प्राप्त करने के लिए लंदन गए थे, वहाँ उन्होंने अपने खराब स्वास्थ्य के कारण, स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण वहाँ की पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी। आफ्टर वन ईयर ही मूव टू कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी एंड गॉट ए बीएससी डिग्री। एक साल बाद ही मूव टू कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी चले गए और बीएससी की डिग्री प्राप्त की। जगदीश चंद्र बोस वाज अपॉइंटेड द लेक्चरर्स इन प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता। जगदीश चंद्र बोस प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में लेक्चरर के रूप में अपॉइंट किए गए थे। अपॉइंट मतलब नियुक्त किया गया था, अपॉइंटेड मतलब नियुक्त हुए थे। ही वाज ऑफर्ड ए सैलरी लेस देन ब्रिटिश लेक्चरर्स, लेकिन वहाँ एक प्रॉब्लम था उनके साथ कि वहाँ तो अपॉइंटमेंट हो गया था लेक्चरर्स के रूप में कॉलेज में, लेकिन उनको जो सैलरी दिया गया था वो अन्य ब्रिटिश लेक्चरर्स से कम था। मतलब बाकी ब्रिटिश लेक्चरर्स जो थे कॉलेज में, वो जो पढ़ाते थे, उनको जितना वेतन मिलता था, मानधन मिलता था, उससे कम सैलरी इनको ऑफर किया गया, दिया गया। ही प्रोटेस्टेड इट एंड आस्क्ड फॉर द इक्वल सैलरी। वो इस कम सैलरी का प्रोटेस्ट किए, यानी विरोध किए, प्रोटेस्टेड मतलब विरोध किए। एंड आस्क्ड फॉर द इक्वल सैलरी, इक्वल सैलरी मतलब समान वेतन, इक्वल मतलब समान, और समान वेतन की मांग की। ही वर्कड देयर बट रिफ्यूज टू ड्रॉ हिज सैलरी। उन्होंने वहाँ काम किया, ही वर्कड देयर, उन्होंने वहाँ काम किया बट रिफ्यूज, मना कर दिया, क्या मना कर दिया, टू ड्रॉ हिज सैलरी, अपना जो सैलरी है, वेतन है, उसको निकालने से मना कर दिया। ड्रॉ मतलब निकालना, रिफ्यूज मतलब मना कर दिया। ही टॉट फॉर 3 ईयर्स विदाउट सैलरी। उन्होंने 3 साल तक वहाँ बिना सैलरी के पढ़ाए। अल्टीमेटली द अथॉरिटी हैड टू बो डाउन। अंततः जो अथॉरिटी था उस कॉलेज का, यानी प्राधिकरण, जिसके पास अथॉरिटी होती है, अधिकार होती है, वो प्राधिकरण को बो डाउन होना पड़ा। बो डाउन होना पड़ा मतलब झुकना पड़ा था। He was paid full salary from the date of appointment, और उन्हें appointment की तिथि से, जिस दिन जब से उनका appointment हुआ था, जिस तारीख से उनका appointment हुआ था, उस तारीख से उनको full salary paid किया गया, यानी दिया गया था। He was very popular as a teacher, वो teacher के रूप में बहुत popular थे, यानी विख्यात थे, यानी लोकप्रिय थे। पॉपुलर मतलब लोकप्रिय, पॉपुलर मतलब लोकप्रिय थे, सभी उनको एक अच्छा टीचर के रूप में देखते थे। क्यों? क्योंकि ही यूज साइंटिफिक डेमोन्स्ट्रेशन व्हाइल टीचिंग। जब वो पढ़ाते थे टीचिंग के दौरान, वे साइंटिफिक डेमोन्स्ट्रेशन का प्रयोग करते थे, यानी वैज्ञानिक प्रदर्शन। साइंटिफिक डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है वैज्ञानिक प्रदर्शन। मतलब क्या बोलेंगे, मुंह से बोल देना अलग बात है, लेकिन करके दिखाना है ना, उसका प्रदर्शन करना कि देखिए जी ऐसा कैसे हो गया, देखिए जो दिखा कर सिखाना, वो बच्चे लोग अधिक ज़्यादा सीखते हैं, उसको है ना डेमोन्स्ट्रेशन बोलते हैं, है ना प्रदर्शन। तो साइंटिफिक प्रदर्शन का प्रयोग करते थे जब वो पढ़ाते थे।
मैनी ऑफ हिज स्टूडेंट्स बिकेम फेमस साइंटिस्ट, और उनके बहुत सारे स्टूडेंट्स, मैनी ऑफ हिज स्टूडेंट, उनके बहुत सारे स्टूडेंट्स फेमस साइंटिस्ट बन गए। फेमस मतलब विख्यात और साइंटिस्ट मतलब वैज्ञानिक। देयर वॉज नो प्रॉपर लेबोरेटरी फॉर रिसर्च इन द कॉलेज, कॉलेज में एक प्रॉपर लेबोरेटरी नहीं था रिसर्च करने के लिए, शोध करने के लिए, अनुसंधान करने के लिए। प्रॉपर मतलब सही या उचित, उचित एक लेबोरेटरी नहीं था जहां रिसर्च कर किया जा सके, यानी अनुसंधान या खोज किया जा सके। कॉलेज में एक अनुसंधान के लिए उचित लेबोरेटरी यानी प्रयोगशाला नहीं था। ही फंडेड हिज ऑन मनी फॉर रिसर्च वर्क, और खोज के काम के लिए उन्होंने अपने सैलरी से जो रुपया मिलता था उसी रुपया का खर्च किए। ही इस्टेब्लिश्ड ए स्मॉल लेबोरेटरी, और उन्होंने एक छोटा सा लेबोरेटरी का इस्टेब्लिश किया, मतलब स्थापना की। ही कैरीड आउट ए लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट इन दैट लेबोरेटरी, और उस प्रयोगशाला में उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए। जगदीश चंद्र बोस वाज ए साइंटिस्ट ऑफ फिजिक्स, जगदीश चंद्र बोस फिजिक्स के साइंटिस्ट थे। फिजिक्स मतलब भौतिक शास्त्र, भौतिक विज्ञान के साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक थे। बट ही डिड ए लॉट ऑफ वर्क इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी, लेकिन वे जीव विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सारे काम किए। बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान। ही रिमूव द बैरियर्स बिटवीन फिजिकल साइंस एंड नेचुरल साइंस, उन्होंने फिजिकल साइंस यानी भौतिक शास्त्र, भौतिक विज्ञान, और नेचुरल साइंस यानी प्राकृतिक विज्ञान के बीच जो बैरियर्स थे, बैरियर्स मतलब बाधाएं, जो बाधाएं थी उन बाधाओं को उन्होंने रिमूव कर दिया यानी दूर कर दिया, हटा दिया। जितने सारे फिजिकल साइंस और नेचुरल साइंस के बीच बैरियर्स थे उन बैरियर्स को उन्होंने रिमूव कर दिया, हटा दिया। दिस इज द एज ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन, यह जो युग है वो बेतार संचार का है। वायरलेस मतलब बेतार, बिना वायर का, और कम्युनिकेशन मतलब संचार, ये और एज मतलब युग। ये जो युग है ये बेतार संचार का युग है। दिस टेक्नोलॉजी वाज इन्वेंटेड बाय जगदीश चंद्र बोस, ये तकनीकी जगदीश चंद्र बोस के द्वारा इन्वेंट किया गया, मतलब खोज किया गया। ही इन्वेंटेड ए डिवाइस टू जनरेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और उन्होंने एक डिवाइस का भी खोज किया, आविष्कार किया, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करता हो। तो उन्होंने विद्युत चुंबकीय तरंग को उत्पन्न करने के लिए एक डिवाइस का खोज किया। ही आल्सो डेमोंस्ट्रेटेड इट्स फंक्शनिंग, और उन्होंने इसके कामकाज का भी प्रदर्शन किया। फंक्शनिंग मतलब उसका जो क्रियाकलाप है उसका भी डेमोंस्ट्रेट किया यानी प्रदर्शन किया। लेटर ऑन बाद में, लेटर ऑन मतलब बाद में, मार्कोनी गॉट द पेटेंट ऑफ दिस इन्वेंशन, इस इन्वेंशन के लिए जगदीश चंद्र बोस को पेटेंट नहीं मिला, और इस उनके बदले मार्कोनी जो दूसरा साइंटिस्ट था उस मार्कोनी को इसका पेटेंट, इस खोज का पेटेंट दे दिया गया है। पेटेंट मतलब पूरा अधिकार मार्कोनी को दे दिया गया था। जगदीश चंद्र बोस रिटायर्ड फ्रॉम एजुकेशनल सर्विस एज ए सीनियर प्रोफेसर इन 1915। जगदीश चंद्र बोस
1915 में एक वरिष्ठ यानी सीनियर प्रोफेसर के रूप में, वरिष्ठ प्राध्यापक के रूप में शैक्षिक सेवा से सेवानिवृत्त हुए थे, रिटायर्ड हुए थे। जब वे रिटायर्ड हुए थे तब वे वरिष्ठ प्रोफेसर बन चुके थे। अब वरिष्ठ प्रोफेसर के रूप में वो रिटायर्ड हुए थे 1915 में, 1915 ईस्वी में। इनफैक्ट ही वॉज टू रिटायर्ड इन 1913 बट द गवर्नमेंट एक्सटेंडेड हिज पीरियड ऑफ सर्विस। यद्यपि वो वास्तव में वो 1913 में रिटायर्ड होने वाले थे, सेवानिवृत्त होने वाले थे, लेकिन गवर्नमेंट ने, सरकार ने उनका जो सर्विस का जो समय है, अवधि है, उसको एक्सटेंड कर दिया यानी बढ़ा दिया। आफ्टर रिटायरमेंट ही वॉज मेड प्रोफेसर एमेरिटस ऑन फुल स्केल इंस्टीट्यूट ऑफ पेंशन। रिटायरमेंट के बाद उन्हें पूरे पैमाने का प्रोफेसर एमेरिटस यानी एमेरिटस उसको कहते हैं जो रिटायरमेंट के बाद भी ड्यूटी में रहते हैं और पूरा सैलरी उन्हें मिलता है पेंशन के बदले। रिटायरमेंट के बाद तो पेंशन सभी को मिलता है, पेंशन उन्हीं को मिलता है जो रिटायरमेंट के बाद और काम ड्यूटी नहीं करते हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी जो ड्यूटी करते हैं और उनको पूरा सैलरी मिलता है, तो ऐसे ड्यूटी करने वाले जो व्यक्ति हैं उनको एमेरिटस कहा जाता है। ही रिमेंड परमानेंटली कनेक्टेड टू प्रेसिडेंसी कॉलेज। इस तरह हुए प्रेसिडेंसी कॉलेज के साथ परमानेंटली जुड़े रहें, कनेक्टेड रहें, परमानेंटली मतलब स्थायी रूप से। इवन आफ्टर रिटायरमेंट हिज रिसर्च वर्क वॉज नॉट इंटरप्टेड। और रिटायरमेंट के बाद भी उनका जो रिसर्च वर्क है, शोध कार्य है, खोज का कार्य है, वो कभी बाधित नहीं हुआ, रुका नहीं। ही सेट अप ए लेबोरेटरी इन हिज ओन हाउस टू कंटिन्यू द रिसर्च। और उन्होंने अपने घर में ही रिसर्च को कंटिन्यू रखने के लिए, रिसर्च को जारी रखने के लिए अपने घर में ही एक लेबोरेटरी का सेट किया, बनाया। ही कॉल्ड हिज लेबोरेटरी ए टेम्पल। उन्होंने अपने लेबोरेटरी को टेम्पल कहा, टेम्पल मतलब मंदिर। उन्होंने अपनी लेबोरेटरी को एक मंदिर का रूप दिया, उसे मंदिर कहा। इट वॉज नेम्ड बोस रिसर्च इंस्टीट्यूट। और उस मंदिर का नाम दिया बोस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी बोस शोध संस्थान। दिस इंस्टीट्यूट वर्क्ड फॉर द एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और ये जो इंस्टीट्यूट है, संस्था है, ये साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ज्ञान की उन्नति के लिए काम किया। मैं आपको बता दूं कि टेक्नोलॉजी का मतलब होता है प्रौद्योगिकी, साइंस मतलब विज्ञान और टेक्नोलॉजी का मतलब होता है प्रौद्योगिकी। तो साइंस और प्रौद्योगिकी की ज्ञान की उन्नति के लिए ये इंस्टीट्यूट बहुत काम किया है। इट प्रूव टू बी एन आइडल प्लेस फॉर कैरिंग आउट रिसर्च। और ये रिसर्च के लिए एक आदर्श स्थान के रूप में सिद्ध हुआ है, प्रमाणित हुआ है कि ये जो बोस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये रिसर्च के लिए बहुत ही आदर्श स्थान है। इट प्रोड्यूस्ड हाईली कॉम्पिटेंट एंड एबल साइंटिस्ट फॉर द कंट्री। और ये जो इंस्टीट्यूट है, ये बहुत ही सक्षम और कारगर साइंटिस्ट देश के लिए प्रोड्यूस्ड किया है यानी बनाया है। इस इंस्टीट्यूट से शिक्षा पाकर बहुत सारे साइंटिस्ट देश के लिए
काम किए हैं। जगदीश चंद्र बोस वाज एन इंस्टीट्यूशन इन हिमसेल्फ। जगदीश चंद्र बोस स्वयं में ही अपने में ही एक इंस्टीट्यूट के बराबर हैं। आप जानते हैं ना, वन मैन आर्मी जैसे होता है, एक आदमी पूरे आर्मी के समान होता है, उसी तरह जगदीश चंद्र बोस आर्मी तो नहीं थे, लेकिन एक ऐसे साइंटिस्ट थे, पूरा इंस्टीट्यूट यानी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो था उसके बराबर थे अकेले में। टिल द लास्ट ही वॉज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द सीक्रेट ऑफ नेचर। उन्होंने अंतिम क्षण तक सीक्रेट ऑफ नेचर के बारे में, सीक्रेट ऑफ नेचर यानी नेचर के जो रहस्य है, प्रकृति प्रकृति का जो रहस्य है, उसको समझने के लिए कोशिश करते रहे। हिज ग्रोइंग एज कुड नॉट स्टॉप हिम टू नो मोर एंड मोर इन दैट डायरेक्शन। और उस दिशा में उनको अधिक से अधिक जानने के लिए उनका जो बढ़ती उम्र बाधा नहीं बन सका, बाधित नहीं कर पाया। ही डाइड ऑन नवंबर 23, 1937। और उनका जो है जीवन का अंत 23 नवंबर 1937 को हुआ। द आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बॉटनिक गार्डन इज नेम्ड इन द ऑनर ऑफ दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइंटिस्ट। और कलकत्ता में एक गार्डन है जिसका नाम है जगदीश चंद्र बोस इंडियन बॉटनिक गार्डन। उस गार्डन का नामकरण इस महान एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है। आप देख पा रहे हैं ऊपर में एक पिक्चर है, ये वही बॉटनिक गार्डन का चित्र है। सामने वाला जो गेट है, मेन गेट, उसी का चित्र है। यहाँ पर लिखा हुआ है आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय वनस्पति उद्यान। ये पश्चिम बंगाल में है, हावड़ा में। और इस बॉटनिक गार्डन का नाम जगदीश चंद्र बोस के नाम से ही रखा गया था, क्योंकि ये जगदीश चंद्र बोस जो हैं ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइंटिस्ट थे। एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइंटिस्ट का मतलब होता है असाधारण वैज्ञानिक, जिसके समान दूसरा कोई नहीं। असाधारण जो साधारण नहीं है, आम साइंटिस्ट नहीं है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइंटिस्ट थे, एक असाधारण साइंटिस्ट थे। उनके सम्मान के लिए, ऑनर के लिए इस गार्डन का नाम जगदीश चंद्र बोस इंडियन बॉटनिक गार्डन रखा गया था। चलिए भैया बहन, अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा, अगर समझ में आ गया टॉपिक, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, तो लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा कर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि मेरे हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।